बीएड स्टूडेंट आरसीई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन डेयरी केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आपने दूध के अवयव पढ़ लिए थे। अब जो दूध में पाए जाने वाले जो अवयव है उनका जो संक्षिप्त विवरण है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। उसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि दूध में पाए जाने वाले अवयव में कौन कौन से अवयव हैं। जैसे मैं पहली बात कर लेता हूँ दुग्ध वसा की। पहला जो अवयव है कौन सा पड़ेंगे? दुग्ध वसा। दुग्ध वसा दूध जो का एक प्रमुख अवयव होता है। दुग्ध जो वसा है वो क्या होता है? दूध का प्रमुख अवयव होता है। और वसा जो होती है वो दूध में इमल्शन यानी कि पायस के रूप में उपस्थित होती है। इस कारण ये आसानी से क्या हो जाती है? पच जाती है। आपसे पेपर में पूछ ले कि वसा दूध में किसके रूप में उपस्थित होती है? पायस के रूप में, जिसके कारण शरीर ये क्या होती है? आसानी से पच जाती है। और दूध में उपस्थित जो वसा है वो गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होने के कारण इसे दूध से आसानी से अलग किया जा सकता है। दूध में उपस्थित जो वसा है वो किसके रूप में? गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होने के कारण इसे क्या किया जाता है? आसानी से अलग किया जा सकता है। दूध की जो दूध की जो वसा है, दुग्ध वसा, उसके जो वास्तविक जो अवयव है उसके अंतर्गत कौन आते हैं? फॉस्फोलिपिड है, स्टीरोल है, स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। यानी दुग्ध वसा में मुख्य अवयवों के रूप में फॉस्फोलिपिड, स्टीरोल, स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। दुग्ध वसा में सर्वाधिक जो ओलिक अम्ल जो है उनकी मात्रा 33% पाई जाती है और पामिटिक जो अम्ल होते हैं उनकी मात्रा 25% पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से दूध वसा में 43% तो क्या पाए जाते हैं? असंतृप्त अम्ल। और 57% क्या पाए जाते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। 43% क्या पाए जाते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल। 57% क्या पाए जाते हैं? असंतृप्त। 43% असंतृप्त वसीय अम्ल, 57% क्या पाए जाते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। और 1 ग्राम दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। पूछ ले आपसे 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट कि लगभग 55 से 60% दुग्ध की जो ऊर्जा है वो दुग्ध वसा से प्राप्त होती है। यानी कि गाय के दूध में जो वसा की जो मात्रा है वो पाई जाती है 4.8% और मुर्रा भैंस के दूध में जो वसा की जो मात्रा है वो 7.6% और मानव के जो दूध में वसा की जो मात्रा पाई जाती है वो 3.7% पाई जाती है। तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, दुग्ध वसा दूध का प्रमुख अवयव है। यह दूध का प्रमुख अवयव है। दुग्ध वसा जो है वो क्या है? दूध का प्रमुख अवयव है। दुग्ध जो वसा है वो दूध का क्या होता है? एक प्रमुख अवयव होता है। अब दूध में जो वसा है पायस के रूप में उपस्थित होती है। वसा जो है वो दूध में, वसा दूध में पायस के रूप में, पायस के रूप में उपस्थित होती है। वसा जो है दूध में किसके रूप में उपस्थित होती है? पायस के रूप में उपस्थित होती है। इस कारण यह है आसानी से पच जाती है। इस कारण यह आसानी से क्या होती है? पच जाती है। दूध में जो वसा है, दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं के रूप में वसा है गोलिकाओं के रूप में होती है। इस कारण इसे दूध से आसानी से अलग किया जा सकता है।
दूध में उपस्थित जो वसा है गोलिकाओं के रूप में होती है, इस कारण से दूध से आसानी से अलग किया जा सकता है। दूध वसा में सर्वाधिक ओलिक अम्ल पॉमिटिक अम्ल 25% पाए जाते हैं। वसीय अम्लों के रूप में इसके रूप में वसीय अम्लों के रूप में दूध वसा में सर्वाधिक ओलिक जो अम्ल है वो 33%, पामिटिक अम्ल जो है वो 25% पाए जाते हैं। दूध वसा में 43% असंतृप्त वसीय अम्ल, दूध वसा में 43% असंतृप्त वसीय, बचा 57% संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। दूध जो वसा है उसमें 43% असंतृप्त वसीय अम्ल, 57% क्या पाए जाते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। 1 ग्राम दूध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम दूध वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में उपस्थित विटामिन जो होते हैं, वसा में उपस्थित विटामिन ए डी ई के होते हैं। वसा में उपस्थित जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ए डी ई के होते हैं। गाय के दूध में जो वसा की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, गाय के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 4.8%। गाय के दूध में वसा की मात्रा 4.8%। मुर्रा भैंस के दूध में 7.6% है। मानव के दूध में 3.7% वसा पाई जाती है। ये स्टूडेंट ये है आपकी दुग्ध वसा। दूध का प्रमुख अवयव है वसा जो है दूध में किसके रूप में उपस्थित होती है, पायस के रूप में उपस्थित होती है, इस कारण ये आसानी से क्या हो जाती है, पच जाती है। दूध में उपस्थित जो वसा है गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होने के कारण इस कारण इसे दूध से आसानी से अलग किया जा सकता है। दूध वसा में सर्वाधिक ओलिक जो अम्ल है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 33%, और पामिटिक जो अम्ल है वो कितना पाया जाता है, 25%। दूध वसा में 43% तो क्या पाया जाता है, असंतृप्त वसीय, 57% क्या पाया जाता है, संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। 1 ग्राम दूध वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3। वसा में उपस्थित जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ए डी ई के होते हैं। और गाय के दूध में वसा की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 4.8%। और मुर्रा भैंस के दूध में जो वसा की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 7.6%। और मानव के दूध में वसा की जो मात्रा है वो 3.7% पाई जाती है। वसा में उपस्थित जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ए डी ई के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है।